मुल्क में जहां एक ओर नफरत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गया शहर हमेशा से ही आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता रहा है। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के साथ देते हैं, इतना ही नहीं तन मन और धन से भी एक दूसरे के साथ होते हैं। इसी कड़ी में दुर्गा पूजा के अवसर पर गया के मिर्जा गालिब कॉलेज मोड़ स्थित माँ दुर्गा के पंडाल में शहर के मुस्लिम ने प्रसाद वितरण किया। आज़ाद वेलफेयर सेंटर और राष्ट्रीय एकता क्लब के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम पिछले 5 सालों से लगातार आयोजित किया जाता रहा है। हर साल दशहरा के नवमी को माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हलवा का वितरण प्रसाद स्वरूप किया जाता है। गुरुवार को आज़ाद वेलफेयर सेंटर और राष्ट्रीय एकता क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले वार्ड नंबर 32 की वार्ड पार्षद गजेंद्र सिंह ने रिबन काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आगत अतिथियों को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन फैसल रहमानी ने किया। इस अवसर पर आजाद वेलफेयर के सेक्रेटरी के क्रमर इसराफुकुल हक, सरफराज अहमद खान, इकबाल अहमद, परवेज आलम, रविशंकर, सुधीर कुमार, तबरेज आलम, शौकत निशाद उर्फ नवाब अली, डॉक्टर अशरफ सईद, विजय साव, महेंद्र सिंह, नीरज कुमार, बालश्रेवर यादव समेत कई संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।